हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे लारावेल के लाइव वायर के बारे में। तो दोस्तों, हमने ऑलरेडी दो पार्ट बना के रखा है। इस वीडियो में मैं आपको व्यू करके दिखाऊंगा। पहला पार्ट जो था उसमें सेटअप था, दूसरे पार्ट में क्रिएट, और ये तीसरा पार्ट है उसमें दोस्तों व्यू डेटा कैसे होता है वो मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों यहाँ पे दूसरे पार्ट में हमने डेटाबेस में रिकॉर्ड इंसर्ट किए थे, आप देख सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी जो सेटअप किया था वो यहाँ पे है, क्रिएट हमने किया था दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। अभी दोस्तों ये जो रिकॉर्ड है उसको हम टेबल फॉर्मेट में यहाँ पे कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ये चीज़ हो गई हमारी। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा पब्लिक के अंदर, रिसोर्स के अंदर, लाइव वायर के अंदर, क्रूड के अंदर दोस्तों यहाँ पे हमारा इंडेक्स का कंपोनेंट था। तो यहाँ पे दोस्तों हम पूरा सेटअप करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम पूरा ऑलरेडी बेस का पूरा सेटअप था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट कंपोनेंट हमने बनाया हुआ था, उसमें दोस्तों यहाँ पे हम टेबल सेटअप करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों डीआईवी के अंदर कंटेनर, और यहाँ पे दोस्तों डीआईवी क्लास, ठीक है। रो जस्टिफाई सेंटर कंटेंट सेंटर MT5, ये चीज हो गई। उसके अंदर दोस्तों यहाँ पे डीआईवी क्लास होगा कॉल MD7, ठीक है। उसके अंदर डीआईवी क्लास कार्ड, ठीक है। कार्ड के अंदर दोस्तों यहाँ पे डीआईवी क्लास, ठीक है, कार्ड हेडर, ये चीज हो गई। कार्ड हेडर के अंदर दोस्तों यहाँ पे H5 टैग जो हमने यहाँ पे रखना है, ठीक है, टाइटल रखना है। क्लास के अंदर कार्ड टाइटल नाम का क्लास, उसके बाद यहाँ पे उसका टाइटल ऑल स्टूडेंट, ठीक है, ये चीज हो गई यहाँ पे। यहाँ पे दोस्तों एक और डीएवी बनाएंगे, कार्ड बॉडी, ठीक है। कार्ड बॉडी के अंदर पूरा सेटअप करेंगे, क्लास कार्ड बॉडी, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों टेबल टैग लेंगे, टेबल टैग के अंदर यहाँ पे क्लास टेबल, ठीक है, टेबल बॉर्डर्ड, उसके अंदर टी हेड होगा हमारा, ठीक है। टी हेड के अंदर टी आर होगा, और यहाँ पे दोस्तों टी एच लेंगे हेडिंग के लिए, टी एच। उसके अंदर दोस्तों यहाँ पे स्टूडेंट आईडी, ठीक है। दूसरा होगा हमारा यहाँ पे नेम, तीसरा होगा ईमेल, ठीक है, और उसके बाद होगा हमारा फोन, ठीक है। फोन के बाद होगा हमारा एक्शंस, ठीक है, ये चीज़ हो गई दोस्तों यहाँ पे हमारी। एक्शंस के बाद यहाँ पे दोस्तों टी बॉडी आएगा हमारा, तो टी बॉडी को सेटअप कर लेते हैं, ठीक है। उसके अंदर हमारा अभी जो सारा कुछ डेटा होगा यहाँ पे प्रिंट होगा। यहाँ पे इतना हो जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे हमारा इंडेक्स कंपोनेंट जो था, इंडेक्स कंपोनेंट, ठीक है, उसको ओपन कर लेना है। यहाँ पे दोस्तों मॉडल यूज करेंगे, ऐप मॉडल्स के अंदर हमारा स्टूडेंट मॉडल, ठीक है, उसको यहाँ पे यूज करेंगे, स्टूडेंट मॉडल, ठीक है। और यहाँ पे स्टूडेंट मॉडल कॉलन कॉलन ऑल लेंगे, मतलब सारा डेटा अभी के लिए, डॉलर स्टूडेंट नाम का वेरिएबल, ठीक है, स्टूडेंट्स, ठीक है, ये वेरिएबल हो गया हमारा स्टूडेंट नाम का। और यहाँ पे दोस्तों कंपोनेंट के थ्रू हम आगे ले जाएंगे इसको, तो यहाँ पे कंपोनेंट, और यहाँ पे दोस्तों हमारा स्टूडेंट वेरिएबल, ठीक है। स्टूडेंट वेरिएबल के बाद ये जो हमारा स्टूडेंट वेरिएबल है वो यहाँ पे ईच लूप करेंगे, फॉर ईच लूप, ठीक है। और यहाँ पे इसको प्रिंट करेंगे, एट द रेट फॉर ईच लूप, ठीक है। और यहाँ पे हमारा स्टूडेंट नाम का वेरिएबल एज स्टूडेंट कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाने के बाद हमारा स्टूडेंट वेरिएबल को यहाँ पे प्रिंट करेंगे, एंड फॉर ईच, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों हमारा टी आर, टी आर के अंदर दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ करेंगे हम। टी आर से पहले दोस्तों यहाँ पे इफ कंडीशन, ठीक है, स्टूडेंट्स, और यहाँ पे दोस्तों काउंट, और यहाँ पे 0 से अप होगा तो यहाँ पे आएगा एट, एल्स, और यहाँ पे एट एंड इफ, ये चीज़ हो गई। टी आर के अंदर दोस्तों यहाँ पे हमारा टी डी होगा, टी डी के अंदर यहाँ पे हमारा होगा स्टूडेंट, स्टूडेंट आई डी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ये चीज़, और यहाँ पे स्टूडेंट आई डी, और यहाँ पे नेम, ईमेल, फोन, ठीक है। ये चीज़ हो जाने के बाद इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे सिंपली देखिए, यहाँ पे पूरा प्रॉपर जो है हमारा सेटअप हो चुका है। यहाँ पे दोस्तों एक और हमने एक्शंस नाम का बनाया था, तो यहाँ पे वो ब्लैंक छोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक्शंस, तो ये चीज़ हो गई दोस्तों हमारी यहाँ पे। और यहाँ पे दोस्तों हमने एल्स कंडीशन छोड़ा था, उसके अंदर एक पूरा काम करेंगे, टी आर लेंगे, ठीक है, उसके अंदर टी डी,
यहाँ पे कॉल स्पॉन, कॉल स्पॉन 5, और यहाँ पे दोस्तों स्टाइल के अंदर ठीक है टैक्स अलाइन टेक्स्ट ठीक है उसको करेंगे सेंटर, और यहाँ पे दोस्तों नो स्टूडेंट फाउंड, ये चीज हो गई दोस्तों यहाँ पे हमारी ठीक है। उसके बाद इसको रन करके एक बार वापस देखते हैं ठीक है, ये चीज हो गई। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमने जो टाइटल दिया था यहाँ पे थोड़ा सेटअप करेंगे, फ्लॉट लेफ्ट करेंगे इसका कि पुल लेफ्ट, ये चीज हो गई यहाँ पे दोस्तों पुल लेफ्ट। यहाँ पे एंकर टैग देंगे, एंकर टैग के अंदर यहाँ पे एचआरईएफ के अंदर ठीक है राउट हमारा एड स्टूडेंट ठीक है एड, यहाँ पे दोस्तों हमने राउट दिया था एड स्टूडेंट का, वो ले लेते हैं यहाँ से राउट्स के अंदर से वेब डॉट पीएचपी के अंदर एड स्टूडेंट नाम का जो राउट दिया था वो यहाँ पे सेटअप करेंगे एड स्टूडेंट ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों क्लास btn btn sm और यहाँ पे दोस्तों btn प्राइमरी पूल राइट लेंगे यहाँ से दोस्तों, तो ये पूल राइट, और यहाँ पे दोस्तों एड न्यू स्टूडेंट, ये चीज़ हो गई। इसको रन करके अगर वापस देखते हैं यहाँ पे दोस्तों ये नीचे आ गया है, इसको पूरा सेटअप करना पड़ेगा शायद, ये चीज़ है फ्लॉट लेफ्ट या फ्लॉट राइट पे ही पूरा करना पड़ेगा शायद ठीक है। स्टाइल के अंदर फ्लॉट लेफ्ट लेते हैं इसको, और यहाँ पे दोस्तों फ्लॉट राइट करना पड़ेगा स्टाइल के अंदर, फ्लॉट जो है उसको राइट करते हैं। उसके बाद इसको रन करके देखते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पे पूरा जो प्रॉपर सेटअप हो चुका है, देखिए यहाँ पे अपना जो न्यू स्टूडेंट का जो पूरा है वो यहाँ पे भी आ चुका है। तो ये चीज़ थी बेसिकली दोस्तों, और यहाँ पे दोस्तों एक राउट और सेट करेंगे हम व्यू जो हमारा एड स्टूडेंट का जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ठीक है, यहाँ पे भी ऑल स्टूडेंट का जो पूरा सेटअप करेंगे ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों एक रिकॉर्ड ऐड कर देते हैं 003, नेम डालते हैं paresh@gmail.com ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों 123456789801 ठीक है, ये चीज़ डाल देते हैं यहाँ पे एड स्टूडेंट ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों एक बार वापस करके देखते हैं, हमारा स्टूडेंट्स नाम का था ठीक है, यहाँ पे दोस्तों ये चीज़ आ गई। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ और कि अगर आप स्टूडेंट ऐड करते हो ठीक है, स्टूडेंट ऐड करते हो उसके बाद अगर आपको रिडायरेक्ट करना है तो ये चीज़ भी आप कर सकते हो ठीक है। यहाँ पे हमने लाइव वायर के अंदर कंपोनेंट बनाया था क्रूड का ऐड का ठीक है, उसमें आप यहाँ पे देख सकते हो रिटर्न रिडायरेक्ट राउट के अंदर दोस्तों ये चीज़ आपको यहाँ पे अपना राउट जो है वो यहाँ पे देना होगा स्टूडेंट वाला ठीक है, तो ऐसा भी आप कर सकते हो ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे एक बार रन करके देखते हैं, मानो कि हमने नेम डाला 004 यहाँ पे डाला ठीक है कल्पेश, ये चीज़ डाला, और यहाँ पे @gmail.com, और यहाँ पे 123456 डाला, और एड स्टूडेंट करके दिखे यहाँ पे जो है उसको रिडायरेक्ट कर दिया। तो ये चीज़ ऐसा भी कर सकते हैं आप ठीक है दोस्तों, अगर आपको रिटर्न रिडायरेक्ट करना है तो ये चीज़ भी आप कर सकते हो ऐसे कुछ ठीक है। यहाँ पे दोस्तों फ्लैश मैसेज दिया वो भी आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हो, फ्लैश वाला मैसेज भी ठीक है। तो बेसिकली ये चीज़ थी उसमें, तो ये दोस्तों यहाँ पे भी आप सेट कर सकते हो, जैसे ही हमने यहाँ पे रखा हुआ है आप देख लीजिए, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ इंडेक्स सॉरी एड कंपोनेंट के अंदर आपने रखा था ठीक है, वैसे ही कुछ आप इंडेक्स कंपोनेंट के अंदर भी रख सकते हैं कार्ड बॉडी के अंदर, और आपका जो यहाँ पे है वो भी मैसेज भी यहाँ पे आ जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक बार रन करके वापस दिखाता हूँ, एड स्टूडेंट किया हमने ठीक है 005, और यहाँ पे राजेश नेम दिया ठीक है, राजेश में यहाँ पे raj@gmail.com, और यहाँ पे दोस्तों 123 मोबाइल नंबर दिया एड स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे मैंने कमेंट किया था तो शायद ओके कमेंट किया था, अनकमेंट कर देते हैं यहाँ पे दोस्तों 006 कर देते हैं, और यहाँ पे ठीक है pal@gmail.com, यहाँ पे 123 ठीक है 456 0 कर देते हैं, एड स्टूडेंट किया हमने। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट हैज़ बीन एडेड सक्सेसफुली, तो ये चीज़ थी। सेम चीज़ यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे भी कर देते हैं, अगर एड स्टूडेंट का जो पूरा है वो यहाँ पे
जो पूरा बटन है वो यहाँ पे भी रख देते हैं। ऐड न्यू स्टूडेंट का जो है यहाँ पे भी पूरा कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा था ऐड स्टूडेंट के अंदर, ये चीज़ हमने यहाँ पे करनी है। सिंपली यहाँ पे जो बटन है सेम चीज़ यहाँ पे ये चीज़ रख देनी है जो यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली ये चीज़ रख देता हूँ मैं कार्ड टाइटल, सिर्फ ये नेम जो है उसको रिप्लेस कर दे रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे ऑल स्टूडेंट्स नाम का मैं दे रहा हूँ। ठीक है, ऑल स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ हो गई यहाँ पे ऑल स्टूडेंट। और यहाँ पे जो हमारा राउट है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो राउट होगा ये स्टूडेंट्स नाम का राउट यहाँ पे देना होगा। तो ये चीज़ बेसिकली थी, यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मूव हो गए। अभी दोस्तों ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे दिखाई कि जो शो होता है वो कैसे होता है। यहाँ पे आप एड राउट करके मैंने आपको दिखाया, अगर 007, ठीक है, अभी मैंने निकाल दिया है, वो रिडायरेक्ट होता था वो। यहाँ पे दोस्तों ये चीज़ डैनिश, ठीक है, danish@gmail.com, और यहाँ पे दोस्तों 159 एड स्टूडेंट करते हैं। देखिए यहाँ पे ये चीज़ हो गई, और अगर यहाँ पे मैं ऑल स्टूडेंट करता हूँ तो यहाँ पे भी आपको वो मिल जाएगा। तो दोस्तों बेसिकली ये चीज़ थी व्यू पार्ट के अंदर। ठीक है, मैंने आपको दिखाया ऑल स्टूडेंट, एड स्टूडेंट। ठीक है, अगर आप यहाँ पे टाइप करते हो ऑन टाइम वैलिडेशन में भी आपको पूरा समझाया था पिछले वीडियो में। ठीक है, तो ऐसा कुछ था। और यहाँ पे दोस्तों बेसिकली इस वीडियो में व्यू डेटा की बात करनी थी, तो मैंने आपको ये दिखाया कि व्यू डेटा ऐसा कुछ होता है। तो दोस्तों ये जो पार्ट था व्यू डेटा के ऊपर था, अभी नेक्स्ट पार्ट एडिट पे आने वाला है। ठीक है, पहला पार्ट था वो लेआउट सेटअप के बारे में था, दूसरा पार्ट था वो क्रिएट के बारे में था, ये तीसरा पार्ट था दोस्तों। तीसरा पार्ट में दोस्तों व्यू डेटा कैसे होता है, अभी चौथे पार्ट में दोस्तों शायद हम एडिट करेंगे। ठीक है, डेटा एडिट करेंगे चौथे पार्ट में, उसके बाद हम डेटा डिलीट करेंगे। तो दोस्तों बेसिकली ये चीज़ थी। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।